कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आया हूँ खिड़की मस्जिद। आप पीछे तो से देखोगे ये खिड़की मस्जिद है और इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं, लेकिन ये मस्जिद बंद है इस समय। अगर अंदर से देखोगे तो ये इसकी एंट्री है, ये एंट्री है। इसके अंदर गेट बंद है और इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। अब हम पूछेंगे कि आखिर गेट बंद क्यों है। बताते हैं कि इस मस्जिद के अंदर भूत वगैरह भी साया रहता है, पूरी जानकारी लेंगे। ये देख सकते हो, ये है खिड़की मस्जिद। हम यहाँ खिड़की मस्जिद पर आए हैं और ये अंदर से ऐसी लगती है। आप देखिए, ये खिड़की मस्जिद है जो बंद है और हमने ही खुलवाई है। चमगादड़ की आवाज़ आ रही है, आप अंदर से देख सकते हो ये प्रॉपरली। कैसे हो दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ खिड़की मस्जिद पर। आप ये देख सकते हो, ये मस्जिद है जो खिड़की मस्जिद है और इस मस्जिद के अंदर आप यकीन मानिए मैं ही हूँ, सिर्फ अकेला हूँ। मेरे साथ एक और जो साथी हैं वो हैं, और कोई भी नहीं है। चमगादड़ की आवाज़ आ रही होगी आपको, और देखो कितनी यहाँ गंदगी है। अब आए और मैं यहाँ क्यों लाया हूँ वो आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली इस मस्जिद को बंद कर दिया गया है, आप बिलीव कर सकते हो। ये मस्जिद आप देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा इसमें रूम निकल सकते हैं, ये देखो। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस मस्जिद को बंद कर दिया गया है, हम अंदर आने के लिए अलाउ नहीं किया गया। लेकिन जब हमने कहा कि भाई एएसआई ने इसको खोल दिया है, कल ही इसको खोल दिया गया है, तब इन्होंने जब बहस हुई तो इसको खोला गया। उसके बाद हमें चाबी दी गई और हमसे कहा गया कि इस मस्जिद के अंदर मत जाइए क्योंकि हॉन्टेड प्लेस है, हमें मतलब मना किया गया। आप भी आप ये देखिए, कल्पना की होगी आपने कि दिल्ली के अंदर ऐसी मस्जिद हो सकती है। यानी इस हिस्ट्री को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं सफाई की बात करूं तो आप देख सकते हो सफाई किस तरह की है, बिल्कुल भी सफाई नहीं है। अगर आप देखोगे करीब से तो बिल्कुल सफाई नहीं है, चमगादड़ों की आ रही है, झाड़ू तक नहीं लगी है इस मस्जिद के अंदर। आप खुद देख सकते हो ये यहाँ की पोजीशन है। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अंदर आने नहीं दे रहे थे, कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। बट ये दूसरी मस्जिद है, पहले मैंने आपको जो है बेगमपुरी मस्जिद दिखाई थी, दूसरी है, बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ डराया जाता है, लोगों से कहा जाता है कि भाई इसके अंदर मत जाओ, हॉन्टेड प्लेस है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेला हूँ और मैंने बहस करने के बाद ये इस मस्जिद को ओपन करवाया है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत और शानदार मस्जिद है। ये देखो, ये जो मस्जिद है खिड़की मस्जिद कहा जाता है। खिड़की मस्जिद क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट देख लीजिए, इसमें कितनी खिड़की है। ये देखिए, ये देखो, बहुत करीब से देखोगे तो आवाज़ आ रही होगी आपको, चमगादड़ की आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ देख लीजिए कितनी गंदगी हो रखी है, झाड़ू बिल्कुल नहीं लगी हुई है और ना ही लोग आ रहे हैं। हालांकि इन सबको सैलरी तो मिलती है सफाई की, बट सफाई भी नहीं हुई है। ये देखो कितनी गंदगी कर रखी है, यानी अंदर से मोटिवेट नहीं है, अंदर से लोग इनके अंदर मन ही नहीं है कि इस मस्जिद को खोला जाए। हमसे मना किया गया इस मस्जिद के अंदर मत जाना। आप पतंग देख सकते हो, ये देखो ये मस्जिद, अगर ऊपर की बनावटी देखो तो कितनी खूबसूरत है। अब सोचिए एएसआई में आती है, उसके अकॉर्डिंग इसकी साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। ये दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, ये देखिए। दोस्तों मैं ऊपर जा रहा हूँ, हालांकि ऊपर जाने के लिए हमसे मना किया गया है, बट मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जीना है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर का नज़ारा है, यानी ऊपर से ये मस्जिद इस तरह लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे अलावा इस मस्जिद में कोई है भी नहीं, किसी की एंट्री नहीं है। आप देखोगे ये मस्जिद है, ये मस्जिद के ऊपर की छत है, कितनी शानदार जगह है। बिलीव मी, आपने इससे बड़ी मस्जिद दिल्ली के अंदर नहीं देखी होगी। जामा मस्जिद तो जानते होंगे, लेकिन दो मस्जिद मैंने आपको घुमाई थी कल, बेगमपुरी दिखाई थी और ये दिखाई खिड़की मस्जिद। ये अगर मैं सामने से दिखाऊं तो देखिए सामने से कितनी बड़ी मस्जिद है, ये देखिए साफ सफाई नहीं बिल्कुल। ये देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है, और इसको ऐसे देखने की कोशिश कीजिए, देखो ये देखो कितनी बड़ी मस्जिद है, ये देखिए। कभी कभी ये मानिए बिल्कुल रोना आता है कि क्या कंडीशन कर रखी है इन लोगों ने।
सैलरी मिल रही है, सिक्योरिटी गार्ड है, सब कुछ है, खोलना तैयार नहीं है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बेझिझक आइए। आपको ये इन्होंने रास्ता बंद कर रखा, गेट ही बंद कर रखा है, लेकिन अगर आप इनसे बहस करोगे तो ये आपको अंदर आने देंगे, क्योंकि इनके पास कोई अधिकार नहीं है। मुझसे मना कर रहे थे अंदर आने के लिए, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं वीडियो बना लूँगा आपकी, तो इन्होंने गेट खोल दिया। आप आइए, गेट बंद होगा और आप देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है। जब आप इन्हें रोकेंगे और टोकेंगे तो ये झाड़ू भी लगाएंगे। बहुत गंदगी हो रही है, बहुत ही शानदार मस्जिद है ये। 100 से ज़्यादा इसके अंदर कमरे हैं और इतनी शानदार हवा आ रही है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी मस्जिद है ये। और इसके अंदर सिर्फ मैं हूँ, मेरा साथी है, और हमने इसको ज़बरदस्ती खुलवाया है। अगर इसकी सफाई करी गई और इसको ऐसे रोकते हैं, ये बहाने बनाएंगे कि हॉन्टेड प्लेस जगह है, ये नीचे ये खुद जा करके जो है अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले साथ खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बट इनको सफाई तो कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये ब्लॉग था, अगर ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम वापस जा रहे हैं, अगर आप भी आना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हो। ये एक्चुअल में हौस खास में ही आता है, और खिड़की मस्जिद का जो एड्रेस है वो गूगल पर भी है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाय।